नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अब नए अवतार में नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि राजनीति में आने से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अभिनेत्री थी, जाने माने सीरियल में वो काम भी कर चुके हैं, लेकिन अब राजनीति में आने के बाद उन्होंने एक नए रूप को अपना लिया है और ये रूप है लेखिका का। बता दें कि स्मृति ईरानी ने अपनी एक किताब लिखी है जिसका नाम है लाल सलाम। बता दें कि ये किताब 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतवाड़ा में हुए CRPF के जवान की हत्या से प्रेरित है और इस किताब का नाम स्मृति ईरानी ने लाल सलाम रखा है। तो राजनीति से अलग हटकर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नए अवतार में नजर आ रही हैं। अपने किताब को उन्होंने प्रकाशित किया है और नए रूप में, नए अंदाज में, यानी कि लेखिका बनकर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नजर आ रही हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपनी पहली किताब लाल सलाम के साथ ही अब लेखिका के अवतार में भी नजर आ रही हैं। इस किताब का प्रकाशन वेस्टलैंड नामक प्रकाशन कंपनी ने किया है। यह किताब 29 नवंबर को बाजार में आएगी। यह अप्रैल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 76 जवानों की हत्या से प्रेरित है और यह देश सेवा के लिए, खासकर नक्सली इलाकों में जिंदगी खपाने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने अपनी इस पुस्तक के बारे में कहा है कि यह कहानी अक्सर मेरे दिमाग में घूमती रहती थी, अतः मैं इसे लिखने से खुद को रोक नहीं सकी। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाठक इसका लुफ्त उठाएंगे और यह चीज को समझ पाएंगे जिसके बारे में मैं बहुत कम लिखी हूँ। ज्ञात हो कि राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी एक जानी मानी अभिनेत्री भी थी। लाल सलाम एक युवा अधिकारी विक्रम प्रताप सिंह की कहानी है जो अंदर खाने की राजनीति और भ्रष्टाचार के उलझे तंत्र को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का मुकाबला करता है। प्रकाशन के मुताबिक यह विपरीत परिस्थितियों का साहस व संयम से मुकाबला करने वालों की कहानी है। वेस्टलैंड के वीके कार्तिक ने कहा कि इस पुस्तक में रहस्य, रोमांच, एक्शन, यादगार चरित्र सब है। लाल सलाम एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने वाला पन्ने पलटता रहेगा और इसे पूरा पढ़कर ही रुकेगा। और यही वजह है कि स्मृति ईरानी ने भी अपने इस किताब को लेकर ये उम्मीद की है कि लोग जब इसे पढ़ेंगे, जब इस लाल सलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, तो उनकी जो पढ़ने की इच्छा है वो बढ़ेगी और पूरी किताब को पढ़ने के बाद ही वो इस पुस्तक को बंद करेंगे। यानी कि जहां एक तरफ स्मृति ईरानी पहले भी अभिनेत्री की भूमिका में नजर आई थी, इससे पहले भी जाने माने सीरियल में अपनी एक अलग जो किरदार है वो स्मृति ईरानी ने बनाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में आने के बाद भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। लेकिन इस सबके बीच अब लेखक के अवतार में स्मृति ईरानी नजर आएंगी और यही वजह है कि जवानों की हत्या से प्रेरित होकर ये लाल सलाम नामक पुस्तक उनकी तरफ से लिखा गया जो 29 नवंबर से बाजार में बिकने लगेगा। देखने वाली बात होती है कि ये पुस्तक जब बाजार में आती है, जब लोग इसे पढ़ते हैं, तो क्या कुछ उनकी तरफ से रिएक्शन आता है। लेकिन इस वक्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने इस पुस्तक को लेकर बेहद खुश नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।